नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज जीमेल का एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आए हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आजकल बहुत सारे सोशल प्रमोशनल्स और काफ़ी सारे ईमेल्स आते हैं ईमेल मार्केटिंग के तहत। और आप लोग, ऐसे में होता क्या है कि जो आपके मेन इंपॉर्टेंट मेल होते हैं वो कहीं उनके बीच में खो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है, और वो सभी जो अनरीड होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे जो सारे प्रमोशनल मेल्स होते हैं उन्हें किस तरीके से जो है आप उन पर काम कर सकते हैं, और काम करने के बाद आप उन्हें कैसे एक साथ डिलीट कर सकते हैं, किसी फोल्डर में मूव कर सकते हैं, उन्हें रिमूव कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, बहुत ही एक छोटी सी ट्रिक है। आप ये जो सर्च का ऑप्शन देख रहे हैं, देखिए सर्च इन मेल लिखा आता है यहाँ पर। दोस्तों, आजकल एक ये यहाँ पर शो सर्च ऑप्शंस का यहाँ पर एक वो है, देखिए ये जो पॉपअप ओपन हो गया है यहाँ पर, आप काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस देखने मिल रहे हैं। और इसके ऊपर जो है दोस्तों, हम कभी अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि ये सभी क्या काम करते हैं। अभी दोस्तों, मैं यह चाहता हूँ कि ये किस तरीके से प्रमोशनल मेल्स को हटाया जाए। तो आप इस चौथे ऑप्शन पर आइए, जहाँ लिखा है हैज द वर्ड्स, और यहाँ पर आप जो है सब्सक्राइब वर्ड को जो है आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, और आप चाहें तो अनसब्सक्राइब को भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो प्रमोशनल मेल होते हैं ऑटो जनरेटेड मेल होते हैं, यहाँ इसमें सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करने के लिए जो है ऑप्शन दिया होता है। और ये जैसे ही देखिए हम सब्सक्राइब से सर्च करेंगे, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो मेल आ गए हैं। और इसमें अभी मेरे पास ये दो ही मेल हैं, क्योंकि मैंने इनको डिलीट कर दिया है, जिसमें ये सब्सक्रिप्शन वाला वर्ड लिखा हुआ है। और आप इसको एक बार अनसब्सक्राइब यहाँ लिख दें, ये अनसब्सक्राइब लिख दिया है, और आप जैसे ही सर्च करेंगे अब आप देख सकते हैं कितने सारे मेल्स जो है यहाँ पर, जितने भी ये मेल्स आपको दिख रहे हैं, आप कोई भी ओपन करके देख लें, इनमें अनसब्सक्राइब वर्ड ज़रूर लिखा होगा। नीचे की साइड देखिए ये लिखा हुआ है अनसब्सक्राइब। और दोस्तों, ये जो अनसब्सक्राइब लिखने के बाद जितने भी मेल आए हैं, ये प्रमोशनल मेल्स हैं और सोशल मेल्स हैं, इनको आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। आप इनको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद जो है आप एक नया लेबल बना सकते हैं, आप इनको कहीं पर मूव भी कर सकते हैं। आप लेबल्स में यहाँ पर रखने के बाद इनको जैसे ही आप मूव कर देंगे तो आपका इनबॉक्स जो है खाली हो जाएगा। या फिर दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये कितने ही सारे मेल्स हैं जो कि यहाँ पर आपको डेट से दिख रहे हैं, और ये निरंतर जो है आते ही रहते हैं, ये आप देख सकते हैं। और आपको लगता है कि इनमें से कोई इम्पॉर्टेंट मेल जो है वह छूटना नहीं चाहिए, तो आप उस पर पर्टिकुलर अगर टैप कर देंगे तो वो यहाँ से डिसलेक्ट हो जाएगा, और बाकी के ये जो है ये यहाँ से सिलेक्ट रहेंगे। तो दोस्तों, एक ऑप्शन मैं आपको और बता दूँ, क्योंकि ये जो अनसब्सक्राइब वाले मेल हैं ये मेरे पास अभी यहाँ मुझे देखने को मिल रहे हैं, ये 1 out of 50 लिखा है। अगर आपके मेल यहाँ पर और भी ज़्यादा हुए, और ज़रूरी है कि होंगे ही होंगे, तो यहाँ एक एडवांस ऑप्शन आता है जिस पर आप जैसे ही टिक करेंगे तो वह जितने भी मेल्स जो है आउट ऑफ 1000 मेल्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और आप इन्हें जो है इस तरीके से यहाँ से देखिए मैंने डिलीट कर दिया है, और ये जो है डिलीट हो गए हैं। अब मैं जो है यहाँ से इनबॉक्स में चलता हूँ, और अब ये जितने भी आप मेल देख रहे हैं ये सारे रिफ्रेशिंग फ्रेश मेल हैं, और ये कंपनीज ने नहीं भेजे हैं, ये ऑफिशियल मेल्स हैं। अब आप यहाँ पर जो है थ्रेश में जाके देखेंगे तो आपको वो पूरा जो है ये अभी अभी जो हमने डिलीट किया है ये आपको पूरा यहाँ पर देखने मिलेगा। ये देखिए, ये पूरा जो है आप यहाँ से भी चाहें तो क्लिक करके इनको सेलेक्ट कीजिए और डिलीट फॉरएवर पर आप क्लिक कर दीजिए, तो अब ये पूरा जो थ्रेश का कन्वर्सेशन है, ये सेलेक्ट ऑल कन्वर्सेशन इन थ्रेश, ये हम यहाँ से सेलेक्ट भी कर लेंगे, तो अब ये पूरी तरीके से देखिए ये यहाँ से डिलीट हो गए हैं, और ये पूरा थ्रेश जो है हमने यहाँ से खाली कर दिया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक थी। आपको जाना कहाँ है, सर्च के ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर लिख देना है एज द वर्ड्स में, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जहाँ पर जो है दोस्तों अनसब्सक्राइब लिखना है, और अनसब्सक्राइब लिखने के बाद आप जैसे ही सर्च करेंगे, आप ये देखिए, और सर्च करने के बाद आप
के पास ये मेल आते ही चले जाएंगे, क्योंकि इनबॉक्स जो है बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है। और आप देखेंगे कि जितने भी मेल्स के अंदर अनसब्सक्राइब लिखा होता है वो इस तरीके से आपको देखने मिल सकते हैं, और आप उनको जो है एक साथ जो है डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा कैसे आप अपने मेल्स को मैनेज कर सकते हैं, ये भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।